स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स। ओके, ये एक ही टॉपिक ऐसा है आपके पूरे 12th स्टैंडर्ड में जो समहाउ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इशू ऑफ शेयर्स। मतलब देखो, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, उनका जो कैपिटल होता है वो कैसे रेज किया जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, इफ वी वॉन्ट टू डिस्क्राइब दिस, then we can say that company raise their capital by issuing shares. Company उनका capital कैसे raise करती है, by way of issuing shares. Okay, तो ये जो shares issue करने का process है, उसको कैसे record करना होता है, उसकी accounting treatment क्या है, ये आपको ये particular topic में पढ़नी है। जब company shares issue करती है तो उसको accounting में कैसे treat किया जाता है, ये हम पर्टिकुलरली सीखने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर डिग्री लेवल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इन FY, SY, TY यू आर गोइंग टू लर्न द वेरियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर जहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है ना पिक्चर में, तो वहाँ पे आपको शेयर ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। आगे चल के इन SY BCOM, SY BAF, जो भी आपका ईयर रहेगा उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है जहाँ पे है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। तो कैपिटल को रिडीम्ड कैसे करना है, तो ये भी पता होने, ये अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए तो ये बहुत जरूरी है दैट यू शुड लर्न वेरी वेरी व्हाट वी कैन से इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न इश्यू ऑफ शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ओनली यू विल अंडरस्टूड हाउ टू रिडीम दैट। उसको अगर क्लोज करना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि उसको हमने तैयार कैसे किया है, उसको रेज कैसे किया है। जब आप उसकी रेज की प्रोसेस जानोगे तो उसको फिर क्लोज कैसे करना है ये भी जान सकोगे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक आपको इंट्रोडक्शनरी करके दिया है, इश्यू ऑफ शेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर। For introduction, from introduction point of view, I will like to tell you that there are two kinds of shares. दो टाइप के शेयर्स होते हैं basically. कौन से दो टाइप के शेयर्स होते हैं? Equity shares and preference shares. Means company form of organization can raise money by way of issuing equity shares and by way of issuing preference shares. तो दोनों का ट्रीटमेंट जो होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो सेम ही होता है। हम लोग पर्टिकुलरली इक्विटी शेयर्स को फोकस में रख के देखेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स अगर देंगे तो आपको सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करके वर्ड यूज करना है, बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ अलग नहीं होता है। सो व्हाट आई वांट टू से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट कंपनी कैन इश्यू फॉर रेजिंग मनी। फर्स्ट वन होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग ऑल दिस इश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स इशू करके कैपिटल को रेज करना, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, ये हम लोग ये टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट व्हेनेवर कंपनी इज इशूइंग द शेयर्स, कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी, देन देयर आर थ्री वेज बाय दैट थ्री वेज कंपनी कैन इशू द शेयर। कंपनी मे इशू द शेयर्स एट पार, और इट मे इशू शेयर्स एट प्रीमियम, और इट मे इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। इस बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। देखो, ए बी सी कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, ए बी सी कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ऑफ रुपीज 100 ईच। ये एक लाइन आपको क्या बताती है कि कंपनी कौन सी है, एबीसी कंपनी लिमिटेड ये कंपनी है। इट इश्यूड शेयर, 10,000 शेयर्स इशू कर रही है कंपनी। एक शेयर कितने का है, 100 का है। एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 100 इज व्हाट इट्स फेस वैल्यू। अभी कंपनी शेयर्स इशू करेगी 100 ईच, और इसके आगे मैं एक वर्ड एड कर देती हूँ, एट पार। At par, what does it mean? Company is going to issue shares. तो इसकी जो face value है, face value is equal to issue price. जो face value है 100 rupees, company is going to issue it at 100. This is what known as issue at par. Company इसको at par issue करने वाली है। अगर ये सेंटेंस को मैं
मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ. एबीसी कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच. अभी ये केस हो गया एट पार वाला, ठीक है, ये केस हो गया एट पार वाला. अभी दूसरा केस एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 10, एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10. तो यहाँ पे क्या होगा, फेस वैल्यू कुछ अलग है और इश्यू प्राइस, बिकॉज द कंपनी इज गोइंग टू इश्यू एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10, दे आर गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा 10 रुपीज अलॉन्ग विद द फेस वैल्यू. तो यहाँ पे फेस वैल्यू कम रहेगी और इश्यू प्राइस उसकी ज्यादा रहेगी, इश्यू प्राइस ज्यादा रहेगी बिकॉज कंपनी इज गोइंग टू इश्यू शेयर्स एट प्रीमियम. फेस वैल्यू है 100 और इश्यू प्राइस रहेगी 110, इश्यू प्राइस रहेगी 110. मतलब कंपनी का एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर 100 रुपए का दिखेगा, लेकिन आपको अगर उसको परचेस करना है तो आपको उसके लिए 110 रुपया पे करना पड़ेगा. ओके, दिस इज व्हाट द सिचुएशन व्हेन द कंपनी इज इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बहुत अच्छी कंपनी है और फर्स्ट टाइम वो अपने शेयर मार्केट में इशू करने जा रही है, तो कभी कभी वो अपने मार्केट के हिसाब से, उनके नाम के हिसाब से ज्यादा पैसा डिमांड करती है, एंड पब्लिक इज रेडी टू पे फॉर इट. पब्लिक भी पे करना, मतलब पब्लिक इज रेडी टू पे फॉर इट, हाई प्राइस भी पे करने को पब्लिक रेडी रहती है. तो इसका, ये टाइप के इशू को क्या बोलते हैं, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम. ओके, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम. कभी कभी क्या होता है, तीसरी वाली सिचुएशन, शेयर में भी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर एट डिस्काउंट भी इशू हो सकता है. यहाँ पे क्या होता है, फेस वैल्यू ज्यादा रहती है और इश्यू प्राइस कम रहती है. मतलब शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, दे में इशू इट एट रुपीज 90, सस्ते में बेच रही है कंपनी. 100 का एक शेयर है, बेचते वक्त कितने में बेचेगी, 90 में बेचेगी. तो इसको क्या बोलते हैं, शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस इंट्रोडक्शनरी लेक्चर व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल. ये सारी बेसिक चीजें हैं कि शेयर्स अगर इश्यू होते हैं तो तीन टाइप से इश्यू हो सकते हैं. शेयर्स में भी इश्यूड एट पार, ओके, जहां पे फेस वैल्यू इज इक्वल टू इश्यू प्राइस. 100 का शेयर 100 में बेच रही है, जरूरी नहीं है कि हर बार शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज ही हो, कभी कभी वो 10 रुपीज होती है, कभी कभी 2 रुपया भी होती है. ओके, इट्स डिपेंड अपॉन शेयर टू शेयर, इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, कौन सी कंपनी कितने में शेयर इश्यू करेगी ये उनके ऊपर है, कितने फेस वैल्यू का शेयर कितने में देगी ये उनके ऊपर है, उनके मार्केट स्टैंडिंग के ऊपर है. गेटिंग मी ऑर नॉट? सो द बेसिक थिंग इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट लेक्चर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू इज वॉट, देर आर 3 वेज फॉर इशूइंग शेयर्स. शेयर इशू करने के 3 तरीके हो सकते हैं, शेयर्स में भी इशूड एट पार, इट में भी इशूड एट प्रीमियम, और इट में भी इशूड एट डिस्काउंट. इफ द फेस वैल्यू इज इक्वल टू इश्यू प्राइस, दैट इज फेस वैल्यू इज 100, इशूड एट 100, 100 रुपए का शेयर 100 में बेच रही है कंपनी, तो इसको क्या बोलते हैं, इशूड एट पार. गेटिंग योर पॉइंट? शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या है, 100 रुपए का शेयर कंपनी 110 में बेचेगी, ज्यादा प्राइस को बेच रही है, 100 से ऊपर बेच रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम. ओके, और शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 100 रुपए का शेयर कंपनी 90, 95, 80 बिलो देन 100 प्राइस को बेच रही है, तो उसको बोलते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट. सो दीज आर द 3 वेज these are the 3 ways for issuing shares. Shares इस तरीके से issue हो सकते हैं. Okay? So my dear students, ये issue of share का first lecture मैंने आपके लिए बनाया है. आपको ये lecture कैसा लगा? अच्छा लगा तो like जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा friends के साथ share कीजिए, और progress commerce class के साथ बने रहिए. ऐसे बहुत सारे lecture हम आपके लिए आगे भी लेके आएंगे. Thank you.